सर सुनिए ना सर, हम तो सुना जा सर, सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। और ये अभी लगता है मध्य विद्यालय है जो कि सभी स्कूल में रहते हैं रहता है। और हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है हम जानते हैं, इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है, और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब वराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप दिए क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर, हरमौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम जी? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बरम तो नहीं बोल सकते लेकिन दीपक कुमार सर है जो कि जिनको की इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हाँ मैं अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के ले क्लास लेते हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा जी? सोनू कुमार। तुम कितने क्लास में पढ़ रहे हो अभी? हम अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं, एनुअल एग्जाम ना मैंने फी नहीं जमा होने के कारण हमको थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो 6 से हम रहे हैं। चलिए पहले और अभी नामों कट गया।